मसकली के सफर पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। दोस्तों, एक्ट्रेस यामी गौतम के घर पर खुशियों ने जन्म लिया है। जी हां, एक्ट्रेस मां बन गई हैं। यामी गौतम ने बेटी को जन्म दिया है। यामी गौतम और उनके पति आदित्य धर ने ये गुड न्यूज फैंस के साथ शेयर की है। उन्होंने पोस्ट शेयर कर बेटे के जन्म की जानकारी दी। इसके साथ ही साथ उन्होंने अपने बेटे के नाम का भी खुलासा किया है। जी हाँ, कपल ने पोस्ट कर डॉक्टर्स और मीडिया का आभार व्यक्त किया है। इसी के साथ कपल ने बताया कि उनकी बेटी का नाम वेदाविद रखा गया है। उनके बेटे का जन्म अक्षय तृतीया को हुआ था। वेदाविद अगर नाम का मतलब कहा जाए तो इसका मतलब होता है वेदों का ज्ञान रखने वाला। यामी और आदित्य को फैंस पेरेंट्स बनने पर बधाइयां दे रहे हैं। सेलिब्स भी कमेंट कर बधाई दे रहे हैं। एक्टर रणबीर सिंह ने लिखा बहुत 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 सारा प्यार, तो वहीं आयुष्मान खुराना ने लिखा बहुत बधाइयां। आपको बता दें कि यामी गौतम और आदित्य धर दोनों ने फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में एक साथ काम किया था। यामी इस फिल्म में एक्ट्रेस थी तो वहीं आदित्य फिल्म के डायरेक्टर थे। कपिल ने बताया था कि इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़े थे। पहले दोनों के बीच में दोस्ती हुई थी और फिर प्यार। दोनों ने अपनी लव स्टोरी को सीक्रेट रखा। उन्होंने 4 जून 2021 को शादी की थी। उनकी शादी एक प्राइवेट सेरेमनी थी जहां सिर्फ घर वाले शामिल हुए थे। कपल ने इस शादी को काफी सिंपल रखा था। दोनों की शादी की फोटोज उस वक्त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। कपल अब खुशहाल शादीशुदा जिंदगी बिता रहा है। वर्क फ्रंट की बात करें तो यामी को पिछली बार फिल्म आर्टिकल 370 में देखा गया था। फिल्म का स्क्रीन प्ले आदित्य धर ने ही लिखा था। आदित्य इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। तो अभी हमने जाना उस गुड न्यूज़ के बारे में जो कि यामी गौतम से जुड़ी हुई थी, और हमने इसमें बताया कि यामी गौतम पहले बच्चे की मां बन गई हैं और उनके बेटे का नाम है वेदाविद, जो कि बहुत ही यूनिक और खूबसूरत सा नाम है। आपको ये गुड न्यूज़ कैसे लगी और ख़ासकर उनके बेटे का नाम कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मसकली, और देखते रहें मसकली। शुक्रिया।